हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जो ग्रेना फ्री फायर में न्यू अपडेट्स आ रहे हैं उससे रिलेटेड जो न्यू लीक्स निकल के आए हैं वो आज हम बात करने वाले हैं। जैसे न्यू मैप से रिलेटेड और जो रैंक टोकन है उससे कुछ न्यू आइटम्स एक्सचेंज होने वाले हैं तो उससे हम बात करने वाले हैं, और न्यू जो इलाइट पास आ रहा है वो आखिर कौन सा इलाइट पास है तो उसके बारे में बात करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो आ चुके हैं हम अपने वीडियो की ओर, जिसमें हम कुछ अपडेट्स आपको बताने वाले थे। उन अपडेट्स में सबसे पहला निकल के आता है जो हमारा रैंक टोकन था उसमें जो न्यू आइटम्स अब एक्सचेंज हो गए, तो उनके बारे में आपको कुछ अपडेट देता हूँ। तो हमारा जो नया रैंक टोकन है उससे कुछ न्यू ड्रेसेस बंडल हैं शायद से जो एक्सचेंज होंगे। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा जो हमारा न्यू बंडल है, मेल है, फीमेल है एंड मास्क भी है गाइस। अलग से शायद से यहाँ पे एक मास्क भी दिया हुआ, एक नहीं एक दो तीन छः मास्क है, दो लड़की का है, चार मेल का है। तो और यहाँ पे बंडल भी है गाइस मेल और फीमेल का जो, एंड अब बैनर और कार भी आपको यहाँ पे साइड में देखने को मिल जाएगा राइट साइड में। तो गाइस यही था हमारा जो गिल्ड टोकन से एक्सचेंज होने वाला जो आइटम्स थे वो यही थे। एंड बढ़ते हैं हम अपने दूसरे अपडेट की ओर। अगला जो अपडेट निकल के आ रहा है वो है हमें कुछ रिवॉर्ड मिलेगा गाइस। जो हमारा अभी नया डायमंड रॉयल में जो अभी वाउचर आया हुआ आप यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड में सबसे ऊपर, वो डायमंड रॉयल का वाउचर है और जो नीचे में इंटू 5 लिखा हुआ है वो इनक्यूबेटर का वाउचर है। तो ये ग्रेना हमें साथ से रिवॉर्ड करेगी उनके ट्विटर में फॉलोअर्स या जो भी फॉलोअर्स है वो अगर 2 लाख का गोल अगर वो कम्प्लीट हो गया तो हम लोग को दिया जाएगा 5 इंटू का डायमंड रॉयल वाउचर और इनक्यूबेटर वाला वाउचर। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों हमें 5-5 करके मिलेंगे। एंड तो बढ़ते हैं हम गाइज अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो नेक्स्ट जो अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है वो गाइज जो हमारा आज रैंक ख़त्म हो जाएगा तो उसमें हमें हर सीज़न में एक न्यू हीरोइक का टी शर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कुछ जैकेट टाइप का हाफ जैकेट, हाँ गाइज हाफ जैकेट यहाँ पे कुछ है, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सीज़न 12 लिखा हुआ है एंड पीछे में हीरोइक का साइन है बैक साइड में। तो आप देख सकते हो जो हमारा न्यू रैंक का हीरोइक का जो टी शर्ट रहेगा या जैकेट जो भी बोलो हाफ जैकेट वो कुछ ऐसा रहेगा। तो हम बढ़ते गाइज अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर, छोटा सा अपडेट का बढ़ते हैं मैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो बात कर लेते हैं गाइज नेक्स्ट इलाइट पास को। तो गाइज नेक्स्ट जो इलाइट पास है वो पायरेट्स के ऊपर आने वाला। जी हाँ गाइज आप देख सकते हो दोनों मेल फीमेल बंडल जो पायरेट्स के ऊपर है। एंड आपको मैं इधर एक इस इलाइट पास का ट्रेलर भी दिखा देता हूँ ये बंडल आखिर कैसा होने वाला है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेलर ये वाला। तो गाइज देख सकते हो लड़के का बंडल मास्क एंड हैट भी है एंड लड़की का देख सकते हो गाइज दोनों बंडल ही बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे देख सकते हो गाइज यही जो हमारा नेक्स्ट जो इलाइट पास है वो आने वाला है। तो बढ़ते गाइज हमने नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो नेक्स्ट जो अपडेट आ रहा है वो है गाइज मैप से रिलेटेड। जी हाँ गाइज मैप से रिलेटेड जो आपको बहुत सारे सोर्स में पता लगा होगा कि शायद से जो नया मैप है वो आपको 2020 के बाद देखने को मिल सकता है, लेकिन नहीं गाइज यहाँ पे ग्रेना वालों ने डेट तो नहीं लेकिन इतना ज़रूर फाइनल कर दिया है कि जो दिसंबर में अपडेट आने वाले हैं उसी में आएगा हमारा जो न्यू मैप है वो दिसंबर के अपडेट में आएगा। जी हाँ गाइज आपको मैं स्क्रीन में एक यहाँ पे टेक्स्ट दिखा दे रहा हूँ जिसमें ग्रेना वालों ने साफ बोला है कि जो हमारा दिसंबर में अपडेट आने वाला है उसी में क्या बोलता है आपको जो न्यू मैप है वो देखने को मिलेगा। तो गाइज न्यू मैप वो किससे रिलेटेड है वो तो अभी किसी को पता नहीं है गाइज, क्योंकि ग्रेना वालों ने एक न्यू क्विज टाइप का निकाला था, वो क्विज था जिसमें आपको वोटिंग करना था कि आपको नेक्स्ट मैप कैसा चाहिए। तो गाइज मैं अभी तो कुछ बता नहीं सकता कि नया मैप कैसा होगा, तो नया दिसंबर में जो अपडेट आने वाला है उसी में पता चलेगा गाइज कि न्यू मैप जो है वो कैसा होने वाला है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।